वेलकम टू ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आपको पता है कि आपके लिए मैं अप्रेंटिस की भी वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आज जो मैं आपके लिए अप्रेंटिस की वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मेरे कैंडिडेट्स मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अप्रेंटिस भी लेकर आया करो बीच बीच में। तो ये जो मैं अप्रेंटिसशिप लेकर आया हूं ये ऑल इंडिया लेवल की है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। बस आपके जो प्रिंट आउट निकलवाने के पैसे लगते हैं 2-4 रुपये वो आपके लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि फॉर्म को कहाँ पर भेजना है, क्योंकि इसका ऑफलाइन फॉर्म है। मैं जो है इसका फॉर्म भी आपको फिल करके बताऊंगा, लेकिन उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी मेरे दूसरे वाले चैनल पर। आज जो है मैं आपको सिर्फ फॉर्म प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पहले हम डिटेल्स की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फिटर, टनर, इलेक्ट्रीशियन और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल वाला और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाला, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटर, उसके बाद वेल्डर और कोपा की भी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो कोपा की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 65 वैकेंसीज है, तो कोपा वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो 18 मार्च 2018 तक आप जो है इसका ऑफलाइन फिल करके फॉर्म को भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए और भेजने के लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा। लोकेशन की बात करें तो गाजियाबाद आपने सुनाई है, तो गाजियाबाद में आपकी लोकेशन रहेगी। गाजियाबाद में आपको दिखा देता हूं, तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जो है अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। इसकी ड्यूरेशन डिसाइड नहीं, ये 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी फॉर विच यू आर हायर्ड, तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है एज की बात करें तो 28 फरवरी 2018 को आपकी एज जो है यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, SC ST और PWD कैटेगरीज को 5 साल का और 3 साल का OBC कैटेगरीज को लिए। तो यहाँ पर फॉर्म आप जरूर फिल कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई 10वीं पास 12वीं पास नहीं मांगा है, इन्होंने सिर्फ जो मांगा है कि आपको इन फील्ड्स में जो है आपका ITI क्लियर होना चाहिए। आप वैकेंसीज देख लीजिए किसमें कितनी है, तो कोपा वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो है आपको ITI मांगा हुआ है, अगर आपने 2015, 16 या 17 में ITI किया हुआ है NCVT से, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया NCVT से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का अप्रेंटिस है इसलिए इन्होंने NCVT यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ और चीज़ें, अब ये मत समझना दोस्तों ये जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग लिखी हुई है इसको छोड़ देना, आप अप्लाई जरूर करना। सो कई कैंडिडेट सोचेंगे यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग लिखा है तो वो भी जरूरी है, तो वो जरूरी नहीं है, बिना उसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो है डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पूछ लिया, क्योंकि मैं इसकी वीडियो कल ही आपके लिए लेकर आने वाला था लेकिन मैं आज लेकर आया क्योंकि मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए था डिपार्टमेंट से कि विदाउट जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, इसलिए जो है मैं आज आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं रास्ते में था इसलिए मुझे इस तरीके से इसकी इमेजेस लगाने पड़ी, वरना जो है मैं आपके सामने पूरा जो इसका कंसोलिडेटेड मैं लिख कर देता हूँ हमेशा वो दे देता। तो यहाँ पर एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप देख लीजिए। सो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीट और अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले आपने कभी अप्रेंटिसशिप ना किया हो तब जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर आपके ITI के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट भेजिए। तो यहाँ पर ये अभी बोल रहे हैं कि 1 ईयर की ट्रेनिंग है, अभी इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि 1 ईयर की ट्रेनिंग है, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से बात की थी वो कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग एक्सटेंड भी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई अभी पीरियड नहीं है कि कितनी पीरियड की आपके लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगी जिसे स्टाइफंड बोलते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि 18 मार्च तक आप जो है इसका फॉर्म भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजना है आप बात करते हैं, आप ये जो email ID देख रहे हैं tggad@bel.co.in, इस पर जो है आपको अपना जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करके भेजना, स्कैन करके फॉर्म को फिल कर लेना। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसका किस तरीके का फॉर्म है, तो ये देखिए इस तरीके का फॉर्म है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आपको ये नहीं पता कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैंने ये लिंक भी प्रोवाइड किया, वो वीडियो भी आप देख लेना।
और जो है यहाँ पर मैं कल इसकी जब फॉर्म फिल की वीडियो लेकर आऊंगा, सो जिन कैंडिडेट्स को जरूरत है कि फॉर्म फिल आपको नहीं करना आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं जो है आपको बता दूंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है ताकि जो है आपके डाउट्स दूर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की मदद हो सके। और ये जो फॉर्म है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आई थिंक 5 रुपए लगेंगे आपके प्रिंट आउट निकलवा लेने, और आप जो है उस मेल आईडी पर, ये जो यहाँ पर आईडी दे रखी है, इस पर भेज देना। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों कैंडिडेट्स की मदद हो सके।